शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी टैक्स की रकम नहीं मिलने की वजह से एक और हत्या। आज सुबह सवेरे दिन दहाड़े सरे बाजार सरे आम मशहूर बिल्डर श्याम अग्रवाल को 3 लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। सबसे पहले हमने और आपका चैनल कल तक ने ये भंडाफोड़ किया कि इस खूनी खेल के पीछे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना मजनू का हाथ है। बचपन से एक एक करके इसने सैकड़ों खून किए, बच्चे बूढ़े नौजवानों को तो क्या लंगड़े लूले अपाहिजों को भी नहीं बख्शा। कमाल है, अरे इतना पैसा कमाते हैं, थोड़े इन बिचारों को भी तो दे देना चाहिए ना। अब पैसा छाती पे लेकर चले जाएंगे क्या? मेरा हार्ट फेल कराओगे क्या? हार्ट फेल तो आप हमारा करवाने वाले थे, मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मजनू भाई ने आपको धमकी दे दी। दी है, दिन दहाड़े दी है, दुकान के अंदर आकर दी है। लगता है मुझे कल तक तो मेरा भी यही हाल करेगा मजनू भाई। मज्जू भाई? अपना मज्जू भाई? अरे मतलब मज्जू भाई ने आपको धमकी? मुन्ना है मुन्ना, मुन्ना आप पहचानते हो उसे? लो, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। अरे आप एक बार मेरा नाम ले के तो देखते। मांगने की जगह ठंडा पिलाता, उल्टा दे के जाता। नहीं, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है और मुझे कुछ देना भी नहीं है। कितने भोले हैं आप। जाइए, तैयार होकर मेरे साथ चलिए, देखिएगा हमको देखते ही कैसे हमारे पैर पे गिरेगा धम। ये मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है, खुद लाड़ में आ गया? मेरे दो आदमी की शादी क्या करवा दी? अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू? अरे भाई, हम दोनों की बीवियां भी भाग गई, ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ, ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने। शाम तक तू भी एक खोखे का बंदोबस्त कर ले। और तू जी, सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच अब तू 5 नहीं 6 ला कर देगा, समझा? अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया? तू लाया? और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया। तू लाया? मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? सलाम साहब। भाई का चौकीदार है, एक बार भाई को सलाम नहीं किया। भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। सलाम साहब। अरे ये भाई का प्राइवेट जेल है, इन लोग सब सजा काट रहे। और इसका क्या हुआ? भाई की बर्थडे में फुग्गे कम लगाया, बोला फुलाने में तकलीफ होती है, नेक्स्ट बर्थडे तक फुग्गे फुलाने का काम दिया है। अभी इसका क्या होगा? अरे यार, ये तो डॉक्टर है ना। भाई तो इसका अदृश्य डिस्पेंसरी खोल डालेंगे। जिसमें डॉक्टर भी यही होगा और पेशेंट भी यही होगा। हाथ में चाकू और कैंची देंगे और बोलेंगे खुद का ऑपरेशन कर। भाई साहब, मैं तो भाग नहीं सका, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, अभी सीधे उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुंच जाइए। वही एक फरिश्ता है जो आप लोगों की इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। उदय शेट्टी शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, ये मजनू भाई भी। अच्छा, हर मुलाकात में वो एक खोखा बढ़ा देता है सर। और सबसे गलत बात तो ये है सर कि उसे हफ्ता कहता है। हफ्ता? अरे तो महीनों बरसों सदियों की कमाई होती है सर। प्लीज मुझे इस गुंडे इस बदमाश से बचा लीजिए सर, मैं बहुत मुसीबत में। उठिए आप, उठिए, बोल पर बल्ली, रोना नहीं। हाँ शेट्टी साहब, आपने बुलाया? आप मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। घुंगरू जी, मेरे जी जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते हैं। पता है, मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ये ऐसे डॉक्टर है और तू है जो क्या है। शेट्टी साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। फिर तो ये हमारे माए बाप हुए। मिस्टेक हो गया क्या? हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब तेरा काम हो गया, तू जा।
सर मैं जरा एक दो थप्पड़ मार दूं उसे मेरा दिल करता है। सर आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है सर, आप फरिश्ता हैं सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही समझते हो तो मेरा एक काम करो। हुकुम हुकुम। मेरी एक छोटी सी बहन है, खूबसूरत है, शादी के लायक है। अब समझा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है इस शहर में जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। बस एक लड़का चाहिए जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे खानदान का हो, जो मेरी बहन को जिंदगी भर खुश। साहब ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरा अपना भांजा है, नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है। वाह। हाँ ये बात है कि हैसियत में माप के बराबर के नहीं है, लेकिन इज्जतदार है। पंडित जी मुहूर्त भोरत बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मर्जी तो मैं जानूं। नहीं नहीं मेरी तो हाँ है। आपकी हाँ? हाँ मेरी तो मेरी भी हाँ है। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। इज्जतदार आदमी हूँ शेट्टी साहब, एक बार जबान दी मतलब। अरे रुकिए तो सही महाराज, अरे सेट्टी साहब के बारे में कुछ बताना है आपको। अरे तुम क्या बताओगे पंडित, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, वो इंसान नहीं भगवान है, भगवान। अरे आप लोग यही मिल गए, आजा पंडित आजा आजा, आज का दिन ही बड़ा शुभ है। अरे दिन खराब चल रहा है बता रहा है हम आपको। क्या बात है अंकल, आज बड़े मुस्कुरा रहे। अरे ऐसी जगह रिश्ता तय करके आया हूँ भांजे, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों पंडित जी बताइए। माय गॉड व्हाट अ ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब, सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। शराफत की गंगा नहीं बहती है, खून की नदी बहती है। गोलियों से सुबह की शुरुआत होती है, गोलियों की गूंज से सर जी, और रात में जब तक 10-12 को लुड़का ना देना, खत्म नहीं होती रात उनकी। क्या बकवास कर रहे हैं? कसम सेट्टी साहब डॉन है। डॉन? हाँ। गॉडफादर? परमात्मा? मजनू और सेट्टी साहब दोनों ने मिलकर फंसाया है आपको अपनी बहन के लिए, समझते नहीं। सिक एंड टायर्ड नाउ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है, क्या करूं मैं। ऐसे मत देखिए मामी जी, ये सारे लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, खेलने कूदने आए, नाचने गाने आए हैं।
हमारी तरह ये सोचने नहीं आए कि गुंडे बदमाशों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मार ले ताने, तू भी ताने मार ले भांजे। अगर वहां होते ना तो या तो हमारा काम तमाम हो गया होता, या तो बंदूक की नोक पर तेरी शादी हो चुकी होती। रिश्ता करने से पहले तो सोचा नहीं और अब सोच रहे हैं। इंसानों को पहचानने की बिल्कुल तमीज नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रही है ये। अगर मुझ में तमीज होती तो मैं इससे शादी करता। तमीज बंद करो, अपने घर की मावारत बंद करो। मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा और आप दोनों की शुरू हो जाते हो। अरे ये तो सोचो कि मेरा होगा क्या। कैसे सोचूं? कैसे सोचूं? ये औरत मेरे सामने होती मेरा दिमाग बंद हो जाता है। लगता है इससे दूर जाकर ही सोचना पड़ेगा। हाँ जा। यहाँ नोट पर नोट खर्च हो रहे हैं और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। I know when we went over there. Uncle, I'm so sorry. No problem. Stupid. घर की बुड्ढा तो देखो, शर्म भी नहीं आती। अरे सुनो मेरे पा गंगरू, तुम्हें जब भी कोई लड़की चांटा मारे तो समझ लेना कि वो एक नेक और शरीफ खानदान की। बाप रे, आधे नंगे। राजीव, राजीव, अरे कैसा आइडिया मिला है कि वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या? हाँ, एक ऐसी लड़की मिली है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। छोड़ो यार। अरे तो फिर आपने मेरे लिए एक नई मुसीबत ढूंढ ली। अरे लड़की मुसीबत नहीं है, मुसीबत का हल है, समझा? एक काम कर, तू उसके दिल में अपने प्यार का दीप जला दे और उससे शादी कर ले। मैं शेट्टी से दो हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। शेट्टी साहब, मैं तो अपने भांजे की शादी तुम्हारी बहन से करवाना ही चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भांजा एक नंबर का कमीना निकला। उससे 3 महीने पहले ही मुझे बिना बताए शादी कर ली। अब कोई कितना भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, एक शादीशुदा लड़के से अपनी बहन की दूसरी शादी कराएगा क्या? अरे तू लड़की तो देख, तू देख। मामा जी, मुझे नहीं देखना कोई लड़की वड़की। अरे मामी जी, आप तो जानती है क्यों नहीं देखना चाहता, समझाती क्यों नहीं? बेटा मैं इन्हें कैसे समझाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे नहीं देखना, नहीं देखना। भांजे लड़की दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही शरीफ और नेक खानदान की है ये। मजनू भाई, अगर आपकी ये तस्वीर संजना बहन ने देख ली ना तो आपका कैरेक्टर भी ऐसे ही नंगा हो जाएगा। अबे ओ, तू संजना बहन की टेंशन मत ले। अरे हवा पानी बदलने आए हैं, ऐश करने हैं, 8-10 दिन इनके साथ एंजॉय नहीं करेंगे तो ये कैसे गाएंगी? परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। क्या शेर है?